रूपकुंड झील कोई पानी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रसिद्ध है यहाँ के नर कंकालों के लिए। और अभी आपको आप जहाँ अब आप देखिए, ये इतना बड़ा नर कंकाल है, ये साधारण मानव का हो ही नहीं सकता है, 1400-1500 साल पुराने नर कंकाल। ये है चुनार गली का गेट, ये जो गेट है यहाँ से कैलाश के लिए रास्ता जाता है, और सामने देखेंगे आप भगवान शंकर का त्रिशूल और उधर माँ नंदा का घूंघट। माँ नंदा देवी की राजा यात्रा जो कि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, वो भी इसी जूरा गली से आगे होते हुए कैलाश की ओर जाती है। ये देखिए आप, ये इतने सारे नर कंकाल यहाँ पे पड़े हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, 4:30 बज रहे हैं आज, और यहाँ से मैं भगवाबासा से अपना ट्रैक शुरू कर रहा हूँ रूपकुंड की ओर। मैं अंधेरे में चलना शुरू किया था और अभी मैं रूपकुंड के एकदम करीब हूँ, लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर ही रूपकुंड बचा हुआ है, लेकिन आगे जो चढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा है और ठंडा बहुत ज़्यादा है, तो मैंने काफ़ी गर्म कपड़े पहने हुए हैं। कल तक आपने देखा होगा मैंने लाइट कपड़े पहने हुए थे। आपको यहाँ पे अभी पूरी जान लगानी पड़ेगी, तभी आप जो है रूपकुंड पहुँचेंगे। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया सुबह में, केवल पानी है मेरे पास, चाय तक नहीं पिया है। चाय तो कहाँ से पीना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो बस ऐसे भूखे प्यासे चले हुए हैं, भगवान जी के दर्शन हो जाएं बस। और जो भगवाबासा जहाँ पे कि मैं आज रात को रुका था, वहाँ से रूपकुंड की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है, तो लगभग 2.5 किलोमीटर मैं अभी कर चुका हूँ और आधा किलोमीटर मेरे को और अभी ऊपर चढ़ना है। तो 15,000 फीट पे हूँ और 15,700 फीट पे लगभग अब वो रूपकुंड लेक है। ठंडा बहुत है यार, माइनस में टेम्परेचर है, तो हाथ एकदम से जकड़ जा रहे हैं। वो तो मैंने अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स पहने हुए हैं, तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो क्लोथिंग जो है बहुत अच्छी लाएँ, अदरवाइज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अच्छे कपड़ा अच्छा खाना लेके आएँ तभी आप यहाँ पर आएँ, और एंड्योरेंस करके आए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। देखिए अभी ये ऐसी पहाड़ी है, इसको चढ़ना है आपको। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं रूपकुंड पे, और रूपकुंड वो रहस्यमयी झील है जहां पे हर कोई आना चाहता है। ये ऐसी झील है जिसमें पानी कम और नर कंकाल ज़्यादा मिलते हैं। तो जो मेरा ट्रैक था आपने देखा, मैंने लोहा जंग से अपना ट्रैक शुरू किया और आज मैं फाइनली जो हूं रूपकुंड में पहुँच चुका हूँ। तो मैं अकेले ही रूपकुंड ट्रैक कर रहा हूँ, और आज मैं सीधे रूपकुंड दिखाने के बाद नीचे उतरूँगा। तो अभी अच्छी खासी धूप लगी हुई है और आप सामने देखेंगे तो आपको रूपकुंड में दिखाऊंगा, लेकिन रूपकुंड से पहले जिस चीज़ के लिए रूपकुंड प्रसिद्ध है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ बहुत ही रहस्यमय अद्भुत अलौकिक चीज़। आप देखेंगे रूपकुंड प्रसिद्ध है इन हड्डियों के लिए, मानव कंकाल के लिए, नर कंकाल के लिए। तो ये नीचे रूपकुंड झील है, थोड़ा लाइट अपोजिट हो गया तो साफ से नहीं आएगा, लेकिन मैं उस तरफ जाके आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये इतने सारे नर कंकाल यहाँ पे पड़े हुए हैं। मैं जो हूँ नीचे रूपकुंड झील में पहुँच चुका हूँ, और जैसे कि मैंने आपको बताया, रूपकुंड झील कोई पानी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये प्रसिद्ध है यहाँ के नर कंकालों के लिए। और अभी आपको आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर जगह नर कंकाल दिखेंगे, ये देखिए, और नर कंकाल वो भी बड़े बड़े साइज़ के। तो आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ पूरा रूपकुंड झील। ऐसा कहते हैं कि जब माँ नंदा का विवाह भगवान शिव से हुआ और वो यहाँ से कैलाश जा रहे थे, तो माँ नंदा को प्यास लग गई और भगवान शिव ने यहाँ पे अपना त्रिशूल गाड़ा और जल जो है प्रकट किया, तो माँ नंदा ने प्यास अपनी बुझाई यहाँ पे,
लेकिन प्यास तो बुझाई, लेकिन जैसे उन्होंने उस पानी पीने के लिए तालाब में देखा तो उनको अपना रूप दिखाई दिया, सुंदर सा रूप, और तब से इस झील का नाम रूपकुंड पड़ा है। और उसके बाद वो यहाँ से कैलाश चलेगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने नर कंकाल है हर जगह पड़े हुए हैं कि क्या ही बोलें। तो इसलिए इस झील, ये देखेंगे इधर भी नर कंकाल है, इधर भी नर कंकाल है, हर जगह जो है नर कंकाल है। पूरे झील के चारों तरफ आपको नर कंकाल ही नजर आएंगे। ये हिमालय की एक ऐसी झील है जो पानी के लिए नहीं बल्कि अपने नर कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। आप पीछे देखेंगे बहुत सारे नर कंकाल हैं, और ये कहा जाता है कि जो ये नर कंकाल हैं, ये राजा धवल जब माँ नंदा जी से मिलने के लिए कैलाश जा रहे थे तो यहाँ पे ओलावृष्टि या बर्फ की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे दब गए थे, उनके नर कंकाल हैं। हालांकि साइंस ने बाद में इसमें रिसर्च किया और ये मालूम पड़ा इनकी कार्बन डेटिंग से कि ये जो लगभग इसे 1200-1300 साल पुराने हैं। और अगर आप झील के चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे केवल नर कंकाल ही आपको दिखाई देंगे। अब आप देखिए ये इतना बड़ा नर कंकाल है, ये साधारण मानव का हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा पांव आप देखिए, कितना बड़ा पांव है ये। तो ये उस ज़माने के हैं, तो लगभग 1400-1500 साल पुराने नर कंकाल कार्बन डेटिंग के हिसाब से। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये राजा धवल जब कैलाश जा रहे थे तो यहाँ पे ओलावृष्टि वगैरह हुई, उन्होंने यहाँ पे जो है कुछ गंदा वंदा किया, जो भी है भगवान शंकर रुष्ट हुए और बहुत हिमशकर गिरे यहाँ पे, और वो सारा सेना के साथ यहीं पे दब गए, ऐसा लोग कहते हैं। तो साथियों ये थी हमारी रूपकुंड झील जो रहस्यों से भरी हुई है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ से जुनार गली की ओर, बताऊँगा जुनार गली की पूरी कहानी इस रूपकुंड ट्रैक के साथ ही। आपको जुनार का ट्रैक भी करवा देता हूँ, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है, 16,000 फीट पर जुनार गली में। चलिए चलते हैं अब जुनार गली की ओर। यहाँ से रास्ता जुनार गली की ओर जाता है और यही रास्ता कैलाश के लिए जाता है। तो अभी मैं चलूँगा इस रास्ते पे ऊपर, उधर ऊपर टॉप में। और जुनार गली जो जिसकी की हाइट बहुत ज़्यादा है, ये है जुनार गली, 4890 मीटर समुद्र तल से लगभग 16,000-16,500 फीट। ये है जुनार गली का गेट। तो साथियों अभी मैं जुनार गली में पहुंच चुका हूं जो कि हमारा ट्रैकिंग का हाईएस्ट पॉइंट है। जुनार गली में जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। जब भी आप रूपकुंड ट्रैक पे आते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करिए और जुनार गली तक ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ से ही आपको भगवान शिव के साक्षात त्रिशूल के दर्शन होंगे, माँ नंदा की घूंघट के दर्शन होंगे, और कैलाश पर्वत का रास्ता भी इसी जुनार गली से जाता है। जब उत्तराखंड में होने वाली माँ नंदा देवी की राजा यात्रा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, वो भी इसी जुनार गली से आगे होते हुए कैलाश की ओर जाती है। तो ये भगवान शिव का त्रिशूल उन्होंने यहाँ पे स्थापित कर दिया था और अपने आप कैलाश में बैठ गए थे। और सामने जो है माँ नंदा का घूंघट है, जिसको नंदा घुंटी कहते हैं। तो ये उत्तराखंड की पीक भी है। इधर नीचे जो आपको दिख रहा है वो सीला समुद्र है, जिसमें वो रॉक्स हैं बहुत सारी, उसको सीला समुद्र कहते हैं। और आगे इसके होमकुंड है, और यहाँ से ही माँ नंदा देवी की राजा यात्रा जो है आगे के लिए जाती है। जो चौसंगिया खाट है वो यहाँ से ऊपर चढ़ता है कैलाश के लिए। तो साथियों ये मैंने आपको पूरा रूपकुंड ट्रैक के साथ साथ में जुनार गली के भी दर्शन करवाए। आई होप कि आपको ये मेरा ट्रैक बहुत पसंद आया होगा, ये जो ब्लॉग है, ये वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको आई हैं तो आप देखते रहिएगा शैलेंद्र हिलमैन को, बहुत जल्दी आपको दूसरे किसी खूबसूरत पहाड़ों में लेके चलेंगे। तब तक आप देखते रहिएगा शैलेंद्र हिलमैन।